हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग टुगेदर। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने व्लॉग पे जहाँ मैं रुकी हुई हूँ, अहिल्या फोर्ट, जो कि है माहेश्वर में। माहेश्वर है इंदौर से करीबन 1.5 घंटे का रास्ता। आप गाड़ी से आ सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छी ड्राइव है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो फोर्ट है ये करीबन 1766 में बना था। और मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे कितना कैसा ये फोर्ट है और कैसा मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ का। और लेट्स गो एंड आई विल शो यू द फोर्ट टोटली कि क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा अंदर गली में जाके है, बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। लेट्स गो। ये है महारानी देवी अहिल्या बाई होलकर, जिन्होंने ये फोर्ट बनवाया था। और इनकी डेथ हुई थी 13 अगस्त 1795 में, और इन्होंने रूल किया था फ्रॉम 1767 टू 1795, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से इनके बगल में ही इन्होंने ये मूर्ति बनाई है महारानी अहिल्या बाई की, और इसके बगल में है ये फोर्ट। और लेट्स गो एंड आई विल शो यू द फोर्ट टोटल। द हाईलाइट ऑफ दिस प्लेस इज द रिवर विच इज़ नेक्स्ट टू द फोर्ट। फोर्ट के बगल में नर्मदा रिवर बहती है, जो फोर्ट से आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा व्यू है। और वहाँ जाने के लिए, छत पे जाने के लिए ये रास्ता है, आप जा सकते हैं इस रास्ते से और नदी के किनारे का मज़ा ले सकते हैं, जो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। अभी मैं आपको पूरा फोर्ट दिखाती हूँ एंड देन आई विल शो यू कि आप नीचे कैसे जा सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं फोर्ट के अंदर। काफ़ी पुराना और बहुत ही पैलेशियल फीलिंग आएगी आपको यहाँ पे जब आप रुकेंगे, तो इट्स वेरी गुड। मैं ये हम फोर्ट के अंदर आते ही, घुसते ही राइट हैंड साइड पे मंदिर है, जहाँ पे एवरी मॉर्निंग पूजा होती है। 11,000 शिवलिंग बनते हैं और उनकी पूजा होती है। ये कोई 250 साल पुरानी परंपरा ये चला रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं द अहिल्या फोर्ट, द हेरिटेज होटल। तो यहाँ के जो कैटेगर्स हैं, उन्होंने पेट्स में पग्स हैं इनके, कोई 4 से 5 पग्स, जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे रहते हैं। और ये जगह है जहाँ हमने अपनी मॉर्निंग टी पी थी, तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। तो ये वो नदी है जो फोर्ट के बगल से बहती है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बोटिंग होती है, बट अभी बोटिंग नहीं हो रही है क्योंकि पानी का जो करंट है बहुत हाई लेवल पे है, तो बहुत सारे रैपिड्स हैं इन बिटवीन, तो सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ पे बोटिंग करें। तो मानसून के टाइम पे आप बोटिंग नहीं कर सकते, बाकी अगर आप विंटर्स में आएंगे तो वी कैन ईजिली डू द बोटिंग। तो दिस इज़ द हाईलाइट। और जैसा कि आप देख सकते हैं सेंटर में एक मंदिर सा है। कहा जाता है कि ये अर्थ का सेंटर है एंड दैट्स वाई ये मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। सो एज यू कैन सी इट इज़ टोटली सरीन, बहुत ही खूबसूरत है। नाउ आई विल टेक यू टू अदर प्लेसेस। और हमने यहाँ पे हम आए हैं, मैं आई हूँ अपने दो फ्रेंड्स के साथ। मेरी फ्रेंड नेहा ने ये पूरा अरेंजमेंट कराया, बिकॉज वो इंदौर में रहती हैं, तो कराया है। हमने एक दिन का अरेंजमेंट लिया है इन लोगों से, जो एक पैकेज होता है उसमें हमें मिला है 22,000 रुपये में। हम 3 लोग रुके हैं जिसमें सारे मील्स इंक्लूडेड हैं। तो हमारे मील्स में है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, प्लस एक हाई टी। और डिनर में उन्होंने एक हमारे लिए गाला इवनिंग करी थी, जो जिसमें ड्रिंक्स थे और स्पेशल मेन्यू था। और बाकी यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। आज हम मसाज कराएँगे यहाँ पर, जो मैं आपको दिखाऊँगी। ये मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। ये एक एरिया है, डेडिकेटेड एरिया, जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है।
यहाँ पे करीबन 19 कमरे हैं और 19 कमरे के साथ ही 19 स्टाफ हैं, तो काफ़ी लिमिटेड रूम्स हैं। आपको ये प्री बुक कराना पड़ता है, आप मेक माई ट्रिप से नहीं करा पाएंगे या किसी भी पोर्टल से नहीं करा पाएंगे, आपको डायरेक्टली इनको कॉल करके इनसे बुकिंग लेनी करवानी पड़ेगी क्योंकि लिमिटेड रूम्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप, काफ़ी पुरानी ओल्ड फीलिंग है बट प्रिटी मच अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आपको अपने कल्चर और हेरिटेज के बारे में पता चलता है, लोग अभी भी परंपराएं निभा रहे हैं यहाँ पे। और तो हम खड़े हैं यहाँ अहिल्या फोर्ट के एक मंदिर के बाहर, जहाँ रोज़ सुबह 8:30 बजे शिवलिंग बनते हैं। तो आइए चलो देखते हैं क्या शिवलिंग बन रहा है, लेट्स गो। किस चीज़ के शिवलिंग बनते हैं? 11,000 शिवलिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बड़े से लकड़ी के प्लैट्स हैं जिसके अंदर होल्स हैं, और इस होल्स में ये बना रहे हैं सॉइल से शिवलिंग, और जिनकी ये पूजा करते हैं एवरी डे। फिर क्या करते हैं ये 11,000 शिवलिंग के लिए? इनका पूजा विषय होता है। अच्छा, विसर्जन हाथ के हाथी करते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। यहाँ पे अब पूजा होएगी करीबन 9 बजे, जो कि अहिल्या बाई के टाइम से हो रही है। हम चलते हैं आगे और पार्ट्स देखते हैं। ये है यहाँ पे जो यहाँ के राजा हैं उनकी फ़ोटो है, और ये एक कॉरिडोर। तो ये है रिसेप्शन एरिया, यहाँ पे फ्रंट ऑफिस एरिया, और ये है यहाँ की क्यूट सी लॉबी। थैंक्स। सो दिस इज़ द स्मॉल एरिया ऑफ ब्रेकफास्ट। अगेन ब्रेकफास्ट एरिया, और ये है हमारे रूम में जाने का रास्ता, यहाँ से ऊपर जाके हमारा रूम है। सो नाउ वी आर हेडिंग टू आवर रूम। ओके, दिस इज आवर रूम। Okay. Wow. Like a prince room. Totally. 3 beds for 3 people. Wow, isn't it amazing? Hello, Nenea, look at the robes. Aren't they amazing, Tina? They're very nice, yeah. Oh wow, this is beautiful. Ye balcony? You should see the khidki. Nenea, you should see the balcony. Yes, there is a balcony in the room. In the room, there is a balcony. Wow. Amazing. Totally. It's amazing. बहुत अच्छा है। इधर भी, ये भी ऑफर सकते हैं बालकनी। कोई भी बिग बालकनीज। Where is the washroom? अच्छा, ये वॉशरूम है। Oh nice, very nice toilet, big toilet, neat and clean. Nicely done. यहाँ के रूम्स काफ़ी बड़े हैं, और फॉर अ फैमिली इट्स अ परफेक्ट, वन रूम कैन बी इनफ फॉर एवरीवन।
सो ये कस्टमाइज भी करते हैं आपकी रिक्वेस्ट. लेट्स सी अदर पार्ट्स ऑफ द फोर्ट नाउ. ये हैं यहाँ के हिज हाइनेस मिस्टर रिचर्ड होलकर जो यहाँ पे रहते हैं 3-4 महीने. आइए चलिए इनसे मिलते हैं. ओके सो फ्रेंड्स आई एम हियर मीटिंग मिस्टर रिचर्ड हु इज द हिज हाइनेस फॉर दिस अहिल्या फोर्ट. It's our pleasure to meet him and I will make you meet with him and he will tell us about some really good points about this property and his experience and how he is making this property to, you know, he's offering people to come and stay over here. That's our pleasure. So, sir, please tell me about something. I think the important thing to remember is that Ahilya Fort is our family heritage. It was built at least the place where we're staying, by Ahilya Bai, as well as many of the existing wall structures. The original structures from our west side. When we came in the 18th century, we improved the fort and Ahilya Bai moved her capital from Indore here. Okay. So it's a heritage which is my responsibility and my family's responsibility to maintain. Now, old structures need a lot of work. And they need a lot of maintenance. So when we first started, quite a lot of repair work done. Some of the wood was broken, some of the walls were so forth. That took a couple of years. But once you repair things, you have to maintain them. Mm-hmm. And the only way really to maintain them is to have people living there. Correct. Because if you fix a place and then you lock it up and go, you come back next year, half the thing has gone bad. Correct. In any case. So how to do that? We decided that the best way would be to have it open to guests where they can come and stay, appreciate Ahilya Masab's heritage, appreciate Maheshwar and its heritage, the Narmada, the gardens and so forth. So there you are. And which is the best part about the fort and how do you able to maintain the culture of the temple which I was watching in the morning? There were 11,000 shivlings every day they make and there's a tradition in your house. And he was saying that it was 250-year-old tradition, we are continuing with that. Yeah, the Lingarchan Puja, Ahilya Bai started it as a way of asking for the blessings of the population. Those little mud lingams that you may have seen, they're little mud balls from the black cotton soil of the farmer. Correct. They make it into these little balls. And then they consecrate it with a little bit of rice and some prayers over that. And that is the end of the puja in Ahilya Bai's time. There may have been 100,000, 110,000 people living in what was Holkar State, 10,000 square miles or 16,000 square kilometers, I suppose. And each one of these little mud balls represented one inhabitant. So in those days, there were a lakh made. Okay. A lakh. And there were 111 Brahmins and so forth and so on. And that, obviously, you can't today age and day and age have all those Brahmins because, you know, now Brahmins, they don't do it for free. But we still continue this tradition from Ahilya Bai's time up to today. The concept is maintained. The number of shivlings and Brahmins less. But that is actually the most interesting puja which takes place here. And it's available for anybody to see at 9:30 or something like that in the morning. And what about the people, the local crowd here? They still... Local crowd, you know, one of the difficulties of all heritage places in India and in people who live there is they think it's normal. Mm-hmm. Whereas absolutely it's abnormal. Okay. A beautiful place like this, where do you find another place like Maheshwar? You don't find another place like Maheshwar anywhere. Correct. But these people think it's normal. So they think that one can use it, you know, it's just there. It'll always be there. And they don't pay that much attention to maintaining, to preserving, to conserving, and to ensuring that its heritage value remains. It's an educational process that we've been doing for a long time. We continue to do it. Yeah. We're starting with the schools, we've got educational heritage ideas that we can have the little kids, they have heritage tours in Maheshwar and so forth. Okay. And one more important thing which I observed over here, the food quality. The quality of food you are serving over here is commendable. The way your team is putting up the homemade stuff like
which I get a chance to have over breakfast and dinner. How these chefs, how are you, getting all these things done at one place? Well, I'm from the beginning a foodie. Okay. I like to eat, I like to cook. Okay. And luckily I found some people amongst Maheshwaris who understand that. Okay. Most of the, let us say, traditional cooks, they do what they've been doing for the last 50 years. Okay. They're not really ready to learn new things. Whereas Kalyan Singh, who's our head chef, he was a guy in the garden. Okay. No history of cooking. Okay. And because he came into the kitchen and started chopping vegetables and so forth, he then gradually started training him in new things, and very easy he adopted the new things so rapidly because he had no background. Okay, so you basically training yourself the whole stuff. I train all the whole everybody. Okay, so one last thing I want to check with you, that which is the highlight, one highlight you want to say about Ahilya Fort, because I want my viewers to come over here and stay. I'll tell you what I find to be quite remarkable. If you take Maheshwar is, let us say, the town, the river, the other bank, and you take Ahilya Fort as a place to stay. Now you have in a right away three very different experiences. Maheshwar town is a booming town, as you've seen. Mm-hmm. It really has become much more prosperous in the last 25 years. Ahilya Fort is a beautiful fort, you know, cultural heritage and so forth. A nice place to stay, as well as many monuments. Mm-hmm. Just across the river, you have a tiny little town in Naradodi, there may be 25 houses, which you can find all over India, these little tiny towns. Okay. But it's just available here. Okay. So you have a mixture of these three, four things. One, you have a bustling town, a growing town, which is indicative of how India is growing. Hmm. You may like the modernity or not, but that's what it is. Hmm. You have the fort, which is a heritage structure. You have a nice place to stay. You have the river, the Narmada, with its heritage, with the parikrama, with the devotion that people have. I forgot to mention that at the beginning. That, and then you have this little country town on the other side of the river, which normally you have to go from a town in Indore. If you want to go to a little town, you'd have to go for an hour before you find a Chota Sa Gawara. Here we find it right here. So any visitor here can see all these things. And then close by, you can go to Mandu, you can go to Omkareshwar, you can go to Bagh. There are many things. It's a nice hub for all of these experiences. So I want to tell all the people here that this is one of my best experience in the palatial house. It's a home which has been offered with lot of love. Bahut acha khana aur bahut hi sukoon bhara ek experience hai. Jab aap fort mein aayenge to river side bahut hi khoobsurat hai aur the way it's been offered. So thank you to you for giving us opportunity to stay with you. Thank you very much. Thank you. ये था एक स्मॉल इंटरव्यू विद द किंग रिचर्ड होलकर. और अब हम निकल रहे हैं स्पा एरिया, जो यहाँ की लोकल मालिश होती है यहाँ पे. आई एम गोइंग दैट साइड एंड आई विल शो यू अराउंड, सो लेट्स गो. नाउ आई एम गोइंग फॉर माय निमाड़ी मसाज. बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा है काफ़ी. और ये है वो जगह जहाँ पर मसाज होएगा. क्या नाम है आपका दीदी? उमा सिंह जी हमारी मेरी बहुत बढ़िया आज मालिश करने वाली हैं. तो चलिए आइए, क्या करना होगा मुझे? चेंज करूँ? और ये है स्पा का वॉशरूम एरिया, वेरी नीट एंड क्लीन. Spa area with a cool TT table also here. So अब मैं आपको यहाँ का swimming pool area दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, near nature. छोटे छोटे से gardens हैं यहाँ पे. बहुत ही
एक एक्सपीरियंस है यहाँ रहना. और बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग हुई हुई है. जो नर्मदा का तट मैंने दिखाया था आपको, वहाँ पे बहुत शूटिंग होती है मूवीज़ की. लेटेस्ट में उन्होंने यहाँ पे पैडमैन, जो अक्षय कुमार की मूवी है, वहाँ शूट हुई थी. सो ऐसे काफ़ी अच्छा सा एक्सपीरियंस है यहाँ पे. छोटा सा है ये, इट्स लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम. नाउ वी आर हियर इन द स्विमिंग पूल एरिया. सो हाय, हाउ वाज द मसाज? वेरी गुड. आए अपन चल रहे हैं स्विमिंग पूल के पास. एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है ऑन द टॉप मोस्ट व्यू, वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे अहिल्या फोर्ट का. लेट्स गो. ये देखो यहाँ से स्विमिंग पूल है और अब हम चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ. एकदम कासल वाली फीलिंग है यहाँ पे. एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं कोई राजा महाराजाओं के टाइम में आ गई हूँ और उनकी एक लाइफ कैसे जीते थे वो लोग. ऑफ कोर्स मॉडर्न टच दे दिया है. ये एक एरिया है जहाँ से टॉप व्यू है, जहाँ से ये लोग देखते होंगे पहले के ज़माने में. मुझे अब चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं बाकी बचे हुए पार्ट्स ऑफ फोर्ट. दिस इज अ स्मॉल लाइब्रेरी हियर. यू कैन, आप यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं किताबें. अलग अलग तरीके की किताबें हैं, पूरी बुक शेल्फ है जैसा कि आप देख सकते हैं. स्मॉल लाइब्रेरी, वेरी नीट. Store of Maheshwar prints over here. You can buy as a souvenir if you like Maheshwar weaving material cloths. You get it from here. Okay, this is the kitchen of Ahilya Fort. They've allowed me to see the kitchen because बहुत ही amazing खाना बनाते हैं यहाँ के chefs. वो बहुत ही अच्छी खुशबू. That's the bakery and the kitchen work is happening as you can see. That shortbread is being made. Yeah, I just saw the shortbread. I can smell it. And this is when entry. This is the production line. Very nicely made. So, यह था अहिल्या फोर्ट इन माहेश्वर. बहुत बढ़िया और खूबसूरत प्रॉपर्टी. और आई होप आपको मज़ा आया होगा यहाँ मेरे वीडियो को देख के. आप अहिल्या फोर्ट की बुकिंग करा सकते हैं booking.com से. हमने कराई है डायरेक्टली बुकिंग इनको कॉल करके. और कॉल करने के बाद हमने तीन लोगों ने एक ही कमरा बुक कराया था. तो हमारे कमरे में तीन बेड थे. तो हमारे एक दिन का तीन लोगों का किराया इन्होंने लिया 22,000 रुपये का. 22,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल द टैक्स. और इसमें थे तीन मील्स थे हमारे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर और एक हाई टी. तो इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. और इसी के अंदर हमारी मसाज भी थी जो इंक्लूडेड थी. और इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. रात में उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा एक गाला नाइट करी और हमको मौका दिया यहाँ के हिज हाइनेस के साथ इंटरेक्ट करने का और उनके साथ उनकी डे टू डे लाइफ में बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. इट इज़ लाइक यू स्टेइंग इन अ पैलेस विद अ किंग. सो इट वॉज़ रियली रियली गुड एक्सपीरियंस. आई होप आप आएँ और यहाँ विज़िट करें. और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं रिगार्डिंग
this place or if you need help, please comment and I will definitely reply. Please keep watching my videos and like and subscribe your video friends. Thank you very much. Thank you for your love and thank you for watching Being Together.